फुल अल्ट्रा कंफर्ट सीट कवर है, जिसमें आप देखोगे जितना ज्यादा आप इस पे बैठ के कंफर्ट महसूस करो उतना ज्यादा कम है। जो आपको पता है कि पीछे पूरा कनेक्टिंग टेल लाइट का ऑप्शन होता है, आपको पूरा एज इट इज पूरी टेल लाइट यहाँ लगी है। हर जगह से आप चेक करो, एक सिंगल आपको ना हल्का सा भी थ्रेड ऊपर नीचे नहीं आपको देखने को मिलेगा। बैठने के बाद फील वगैरह सही है, कंफर्ट जो सोच रहे थे वो सब कुछ ओके है। ओके, स्ट्रिप आपको दिख रही है या कहीं से भी अनइवन है ऊपर नीचे, ये आपको कहीं भी नहीं दिखने को मिलेगा। जैसे हम अनलॉक करते हैं पूरा प्रॉपर वर्किंग है, लॉक पे पूरा प्रॉपर वर्किंग है। अब देखो यहाँ पे पहले तो की चेंज हो चुकी है, पीछे भी सुजुकी का लोगो है, आगे भी सुजुकी का लोगो है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ मस्त अपने घर में कुशल मंगल होंगे। अगेन आज फिर से मैं किशन तिवारी एक नई वीडियो में आपका मोस्ट 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 वेलकम करता हूँ। और आज फिर से आपका फ्रॉम सिग्मा मॉडल की तरफ आपको लेके आया हूँ। जितनी भी ऐसा बेसिक वर्क होता है, बेसिक काम होता है, वो सब कुछ इसके अंदर दिखाने वाला हूँ। और सबसे अच्छी चीज, जैसे आपको बताया है, गाड़ी के अंदर आप जितना मर्जी लगा दो, कभी ना कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और होना चाहिए, अच्छा थोड़ा सा कम रही है। चाहे गाड़ी हो, चाहे घर हो, या अपने घर में किसी भी की शादी हो, उसका कोई ऐसा एस्टिमेट नहीं होता, कोई ऐसा बजट नहीं होता। वैसे ही इस गाड़ी के अंदर आउटर चीज में कम करके, यानी इनर चीज में काफ़ी अच्छा इनहेंस पूरा काफ़ी अपग्रेड कराया है। और सबसे अच्छी चीज गाड़ी के अंदर जो आपको कंफर्ट के रूप में लगा माना जाता है, वो है इसके सीट कवर। उसमें भी इन्हें ऐसा अपने हिसाब से पूरी कस्टमाइज करा के फुल अल्ट्रा कंफर्ट, अल्ट्रा कंफर्ट में भी एक आपको हाफ अल्ट्रा कंफर्ट मिलता है, और इसमें जो है वो फुल अल्ट्रा कंफर्ट के सीट कवर लगा रहे हैं, जिसकी मैं आपको कॉस्टिंग से लेकर सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरी वीडियो में बने रही है, और जितनी भी चीज़ आप अगर जानना चाहते हैं अपने लिए, फ्रॉन्स, ग्रैंड विटारा, ब्रिज़ा, बलिनो, ग्लेंजा या कोई सी भी गाड़ी, तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलते हैं गाड़ी की तरफ, देखते हैं क्या क्या चीज़ें आप लगवा सकते हैं और क्या क्या चीज़ें लगी है, दोनों ही चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पे फ्रंट में DRL का ऑप्शन होता है, जो तीन डॉट के साथ लगती है। उसमें आपको काफ़ी अच्छा एक अलग ही लुक बन जाता है, या तो डेल्टा प्लस के ऊपर का जो मॉडल होता है उसमें कहीं ना कहीं गाड़ी जो अपडेट हो जाती है। सिग्मा मॉडल से आपको नीचे की तरफ प्रोजेक्टर कंपनी देती है, और प्रोजेक्टर के अंदर सिर्फ आप एक LED डालोगे ना, इसका थ्रू जो है वो दूर तक और काफ़ी हैवी रोशनी जो है वो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। सामने की तरफ अगर इसके अंदर आप फ्रंट ग्रिल पूरी पियानो ब्लैक कराना चाहते हैं, उसका ऑप्शन हो जाता है। और वाइट गाड़ी के साथ बिल्कुल अपोजिट कलर है पियानो ब्लैक और वाइट, तो और ज़्यादा इनहेंस हो जाता है कहीं ना कहीं। इसके बाद साइड में आप देखोगे यहाँ पे अपने पूरे मिरर चेंज हो चुके हैं, जिसका साथ जो कनेक्शन है वो इस की के साथ है सिर्फ। आप देखो यहाँ पे पहले तो की चेंज हो चुकी है, पीछे भी सुजुकी का लोगो है, आगे भी सुजुकी का लोगो है, पूरा प्रॉपरली वर्किंग है, ये देख सकते हो आप। यहाँ पे जैसे ही मैं गाड़ी को लॉक करूँगा, वैसे ही गाड़ी जो है प्रॉपरली बंद हो चुकी है। यहाँ का जो अपना इंडिकेटर आता है, वो इंडिकेटर कहीं ना कहीं हटके वो सिर्फ यहाँ पे लग चुका है, और जैसे ही अनलॉक करूँगा वैसे ही प्रॉपरली अनलॉक हो रहा है। और ये आप चाहो तो बॉडी कलर में भी कर सकते हो, पर आपका पल वाइट कलर की गाड़ी है तो यहाँ पे पल वाइट का भी आप कर सकते हो पार्ट, पर उसके लिए आपको पहले से थोड़ा सा ऑर्डर देके आना पड़ता है, या फिर आप आके भी करा सकते हो, पर थोड़ा सा उसमें टाइम एक्स्ट्रा लगता है आपका। बट अगर पहले ऑर्डर दोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा और अच्छी फिनिशिंग के साथ होगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर बॉडी कलर कराओ और अच्छा इनहेंस रहता है। पर ये गाड़ी वाइट कलर की है इसलिए पियानो ब्लैक कराया हमने, और थोड़ा सा इसमें भी आपका काफ़ी अच्छा कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। इसके बाद अगेन जैसे हम अनलॉक करते हैं पूरा प्रॉपर वर्किंग है, लॉक पे पूरा प्रॉपर वर्किंग है। और सिर्फ यही नहीं, अगर मैं अंदर से चलूंगा तो एडजस्टेबल भी प्रॉपर वर्किंग रहेगा, और ऑटो फोल्ड दोनों ही वर्किंग रहेगा। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एज अ जो इंडिकेटर पार्ट आता है वो कवर करके यहाँ पे एज अ साइड वेंट लग गया है G-Driven का, GFX का। और इसकी जो क्रोम है, यहाँ तक कि इसकी भी लाइफ टाइम तक की आपको इसकी वारंटी मिल जाती है। नीचे की तरफ मड फ्लैप का ऑप्शन होता है, वो आप लगवा सकते हैं। इसके बाद डैम्पिंग का ऑप्शन होता है, वो आप करा सकते हैं। जैसे आप देखोगे अभी नॉर्मली यहाँ पे डैम्पिंग नहीं होती, ऐसे खोखला खोखला से रहता है, और यहाँ पे डैम्पिंग की वजह से थोड़ा हैवीनेस हो जाता है। डैम्पिंग से मेन बेनिफिट्स आपको जो होते हैं अंदर का AC जो है, गर्मी में आप देखोगे बाहर 40-45 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद भी डैम्पिंग होता है, जो आपका AC जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही कूल रह सकता है, क्योंकि शीशे के अंदर बाहर से तो कोई गर्म ठंडा नहीं जाएगा, जाएगा तो डोर से ही जाएगा, क्योंकि यहाँ से सारी लीकेज जो भी होती है वो होता है। और बारिश में यहाँ पे प्रेशर के पानी से जो पानी अंदर रुक जाता है, उस सब डैम्पिंग से जो है काफ़ी हद तक जो है बच जाता है।
तो सारे बेनिफिट्स आपको डैम्पिंग से मिल जाते हैं। इसके बाद अपने रेन वाइजर है जो नेक्सा जेन्युइन आपको देखने को मिलता है, और इसमें भी आपको 60% तक जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट देखने को आपको मिलता है। जैसे कि प्राइसिंग की अगर बात करूँ, 2190 रुपये MRP आती है, लेस करके आपका 895 रुपये का पड़ता है। एंडल प्रो में 1490 MRP आती है, लेस करके आपका 675 रुपये का पड़ता है। साइड फिटिंग है 2490 रुपये MRP आती है, लेस करके 996 रुपये का पड़ता है। इसके बाद अपना विंडो गार्निश है, विंडो गार्निश भी यहाँ पे SS के अंदर है, स्टेनलेस स्टील क्वालिटी के अंदर, जिसमें आपको 2 साल तक की वारंटी मिलती है। ये कंपनी का जेन्युइन नहीं आता, पर फिर भी ऐसा क्वालिटी के हिसाब से आपको काफ़ी हैवी काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से कभी भी ख़राब नहीं होता। इसके बाद एक बार पीछे चलते हैं, पीछे देखते हैं क्या। इसके साथ साथ पीछे की तरफ आ चुके हैं, और जो आपको पता है कि पीछे पूरा कनेक्टिंग टेललाइट का ऑप्शन होता है, आपको पूरा एज इट इज़ पूरी टेललाइट यहाँ लग गई है। और सबसे खास चीज़ इस टेल लाइट की है कि लुक आपको बहुत ज़्यादा इनहेंस आपको पहने इसमें देखने को मिल जाता है। ये टेल लाइट MGB मारुति जेन्युइन पार्ट्स में आपको इसका ऑप्शन मिल जाता है आपको देखने का। इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, एक तो एसेसरी वाला पार्ट और एक होता है आपका पूरा स्पेयर पार्ट जो टॉप मॉडल में लग के आता है, ये यहाँ पे लग रही है। इसके बाद नीचे की तरफ आप देखोगे रिफ्लेक्टर है, जैसा आपका इसका कलर है सेम एज इट इज का कलर आपको देखने को मिलता है। इसमें कई ऑप्शन आपको मिल जाते हैं अलग अलग डिज़ाइन के हिसाब से। प्लस आपका रिफ्लेक्टर आप देखोगे, जैसे ये इंडिकेटर फ्लैश कर रहा है, इंडिकेटर चल रहा है, वैसे इंडिकेटर के साथ वर्किंग है, यानी कि ऐसा इंडिकेटर भी चल रहा है और मैट्रिक्स भी पूरा वर्किंग है, ये भी प्रॉपर आपको देखेंगे। इसके साथ साथ अगर अंदर की तरफ आपको बताएं तो प्रॉपरली यहाँ पे पार्सल ट्री है, जेन्युइन कंपनी की लगी है। यहाँ पे भी आप पार्ट नंबर देखोगे प्रॉपरली यहाँ पे आपको लिखी मिल जाती है। आर्मरेस्ट लगा है उसका आप देखोगे पार्ट यहाँ पर है, मिरर चेंज हुए हैं यहाँ पे आप देख सकते हो मिरर है, स्टीयरिंग तक इसका चेंज हो गया, टॉप मॉडल वाला पूरा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इसमें बूट मैट का ऑप्शन होता है, वो भी आप लगवा सकते हैं। बाकी इसके अंदर एंड्रॉयड वगैरह सब चीज़ जितनी भी है, और सीट कवर जिसके लिए मैंने आपको स्पेशली वीडियो दिखाई है, वीडियो आप देख रहे हैं वो लेके चलता हूँ अंदर, कैसे अल्ट्रा कम्फर्ट सीट कवर ले। तो फाइनली अब आ चुके हैं अंदर की तरफ, और जैसा मैं आपको बता रहा था बार बार सीट कवर की तरफ, फुल अल्ट्रा कंफर्ट सीट कवर है, जिसमें आप देखोगे जितना ज़्यादा आप इस पे बैठ के कंफर्ट महसूस करो उतना ज़्यादा कम है। जैसे आपने मैंने पहले आपको दिखाता था नॉर्मली प्रीमियम सोफा लैमिनेशन, पर ये जो सीट कवर है आप देखो, इसमें जो हमारे पिलो के अंदर जो हमारे बेड के अंदर रुई भरा होता है वो एक्चुअल में रुई से ये सीट कवर बनता है। और आप खुद देख सकते हो इसकी फील, इसका कुशनिंग, मतलब बैठने के बाद ना रियली फील और रियली कुशनिंग जो है वो आपको देखने मिलता है। अगर मैं फैब्रिक की बात करूँ तो रॉयल टच फैब्रिक के अंदर ये सीट कवर है, जिसकी आपको लाइफ टाइम वारंटी है। मेन जो है फैब्रिक खराब कैसे होता है, जैसे आपने जैकेट देखा होगा अपने घर में नॉर्मली कि जैकेट के ऊपर पपड़ी पड़ जाता है, या फिर आप किसी भी जैकेट में या किसी भी नॉर्मल फैब्रिक पे चाबी लो और ऐसे रगड़ो तो उसमें पपड़ी पड़ना शुरू हो जाता है। सेम सीट कवर में आप चाबी लो और रगड़ो, कभी भी जिंदगी में पपड़ी नहीं पड़ेगा, चाहे आप कितना मर्जी रगड़ो कभी भी नहीं पड़ेगा। और आप चाहो तो आके देख सकते हो, उसके बाद आप चाहे तो कराओ। ये अपना लाइफ टाइम वारंटी के साथ रहता है सीट कवर, प्लस में हर तरफ से अल्ट्रा कंफर्ट है। आप चाहे कहीं पे भी टच करो, हर जगह से आपको प्रॉपरली अल्ट्रा कंफर्ट का जो फील है वो देखने को मिलता है। लाइफ टाइम की वारंटी होती है और काफ़ी अच्छा कुशनिंग, काफ़ी अच्छी फील के साथ आपको पूरा सीट कवर रहता है। प्लस आप अगर सोच रहे हो कि ये क्या है, ये कोई रिंकल तो नहीं है, तो ये मैं आपको बता दूं, ये कोई रिंकल नहीं है, ये सीट कवर का ऐसा ही डिज़ाइन होता है, ऐसा ही पैटर्न होता है, जिसके अंदर पूरा कम्प्लीटली रुई भरा जाता है आपका, जिससे क्या है ये अपना बैठने में कंफर्ट रहे। मैं एक बार बैठ के आपको दिखा देता हूँ, और इससे कई बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। सबसे पहला बेनिफिट, इस साइज जो है सीट का वो काफ़ी ऊपर हो जाता है, कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा लगभग 2-3 इंच वो साइज ऊपर हो जाता है। इसमें ये बाद भी इसमें फोम डाला जाता है 21mm का, जिससे इसका हैवीनेस जो है काफ़ी अच्छा, काफ़ी हैवी रहे। प्लस अगर मैं सीट कवर की कुशनिंग की और पूरा फिनिशिंग की बात करूँ, तो हर कॉर्नर से आप देखोगे ना हल्का हल्का चेरी कलर का थ्रेड का यूज़ किया हुआ है, जो इसके इंटीरियर में पूरा काम किया गया, इंटीरियर पूरा है, जैसा आपका यहाँ पे डैशबोर्ड है, जैसा आपका डोर है, सेम एज इट इज़ अपना चेरी कलर का पूरा यूज़ है, जिस वजह से पूरा कॉम्बिनेशन गाड़ी की तरफ बन रहा है। और ऐसा सीट कवर देने का सबसे बड़ा एक रीज़न है कि ऑटोनिक की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, और खुद के मतलब एक बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट से बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग की वजह से आपको बिल्कुल परफेक्टली काम यहाँ पे मिल जाता है। सेंटर आर्मरेस्ट है जो जेन्युइन कंपनी का आपको देखने को मिल जाता है। इसमें भी रियर एसी है, वो पूरा ऑन हो चुका है प्रॉपरली। यहाँ पे आप देखोगे गियर नॉप है, जेन्युइन कंपनी का देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पे स्टीयरिंग पूरा चेंज हो चुका है, यहाँ पे भी पूरा लेदर रैप है, और लेदर रैप की आप फिनिशिंग चेक कर सकते हो, पूरी OEM फिनिट है, OEM फिटिंग प्रॉपरली, OEM फिनिशिंग दी हुई है यहाँ पे। ये देखो कितना अल्टीमेट फिटमेंट है यहाँ पे, हर जगह से आप चेक करो। एक सिंगल आपको ना हल्का सा भी थ्रेड ऊपर नीचे नहीं आपको देखने को मिलेगा, प्रॉपरली बराबर पूरी स्टिच की हुई है, और ये पूरा हैंडमेड है, हाथ से बनाया हुआ है। लगभग 1.5 से 2 घंटा सिर्फ ये स्टिच करने में लग जाता है एक पर्सन को, तो ये आप खुद देख सकते हैं। प्लस यहाँ पे स्टीयरिंग पूरा वर्किंग है, ये देखो जैसे मैं माइनस कर रहा हूँ माइनस हो रहा है, यहाँ प्लस कर रहा हूँ प्लस हो रहा है,
बाकी यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम आपका लग चुका है ब्लू जोन का, काफी अच्छा सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है। ऑप्शन सिस्टम में आपको सारे ही मिल जाते हैं। चाहे आप प्राइसिंग की बात करें तो 4500 रुपए से लेके और जितने भी आप हैवी में जितना ऊपर जाना चाहते हैं आपको सिस्टम का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे गियर नॉब पे ये पूरा चेंज हो चुका है जेन्युइन कंपनी का, इसके साथ साथ एमएल लाइट्स के अंदर लगी है जिसका आप डैशबोर्ड लुक देख सकते हो। काफी अच्छा काफी अल्टीमेट लुक आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे आप डोर की एमएल लाइट देख सकते हो, यहाँ पे मैं उंगली लगा के दिखा देता हूँ आपको, प्रॉपरली अंदर है, सिर्फ जो लाइट जल रही है वो सिर्फ पार्ट आपको दिख रहा है, बाकी ऐसा नहीं है कि पूरी स्ट्रिप आपको दिख रही है या कहीं से भी अनइवन है ऊपर नीचे, ये आपको कहीं भी नहीं दिखने को मिल रहा। तो ये एक बेस्ट पार्ट आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। इसका फ्रेम देख सकते हैं, ग्लॉसीनेस काफी अच्छा, काफी अच्छी फिनिश के साथ पूरा है। इसके बाद नीचे की तरफ मैट है जो अपने 5D मैट है, इसकी भी फिटिंग आप देख सकते हो प्रॉपरली फिटिंग है, हर जगह से प्रॉपर फिटमेंट है, 8 to Z 0 to 0 फिटमेंट है। अब चलते हैं एक बार भैया से जानते हैं सारा काम कैसा लगा, रियर एसी से लेके पीछे की सीट की फिटिंग तक सारा कुछ सारा भैया को। तो फाइनली सारा काम हो चुका है, छोटा सा मतलब बेसिक भैया ने सारा काम कराया, भैया से जानते हैं कि सारा काम कैसा रहा और कैसा लगा भैया को, स्पेशली जो ऑर्डर दिया था भैया ने खड़े हो गया सामने में, भैया ने सीट कवर बनवाए हैं ऐसा जो हमारी फैक्ट्री में बनते हैं तब सारा चीज लगा है। तो क्या नाम है भैया आपका? भाई मेरा नाम अनिल है। कहाँ से आए हैं? द्वारका। द्वारका दिल्ली से यहाँ आए। कैसे पता कैसे लगा हमारे बारे में? बस वीडियो देख के आया आपकी। वीडियो आपने देखी थी। अभी भैया सीट कवर जो आपने लगवाया ये क्या आपने पहले कहीं देखा हुआ था या आपने सोचा था कि ऐसे लगवाने? हाँ ये वीडियो पहले हमने एक देखी सीट कवर की, तभी हमने याद है आप अल्ट्रा कंफर्ट ऑटो फोम के सीट कवर की फोटो लेके आए थे। हाँ जी, हाँ जी। और उसके हिसाब से आप चाह रहे थे कि ऐसा कुछ बन जाए। हाँ जी। और एग्जैक्ट आपने वही दिया फोटो और वही आप बताइए कि एज इट इज आया नहीं? बिल्कुल 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 परफेक्ट है। पक्का मतलब बैठने के बाद फील वगैरह सही है, कंफर्ट जो सोच रहे थे वो सब कुछ ओके है? ओके सब पक्का। और ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है अल्ट्रा कंफर्ट सीट कवर के लिए, तो जो लोग भी ऐसा सीट कवर चाहते हैं या कंफर्टेबली अपनी गाड़ी को एक एज अ बेस्ट सीट कवर लगाना चाहते हैं तो जरूर आप आ सकते हैं या फिर जरूर एक बार विजिट करके देख सकते हैं, बाकी चॉइस है आपकी। बाकी वारंटी कितनी मिली है इसकी भैया? चैनल को भी सब्सक्राइब करना, वीडियो को भी लाइक करना और कुछ भी अच्छा बुरा आपको लगता है कमेंट में जरूर बताना। बाकी थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए और एक बार जरूर विजिट करिए, कभी भी अगर कुछ भी चीज जानना हो तो कभी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।